दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 43 इंच 4K टीवी के बारे में। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ने दोनों ही कैटेगरी को ध्यान रखा है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बजट ब्रांड की भी और नॉन बजट ब्रांड की। तो सब कुछ होने वाला है कवर इस वीडियो में, और वीडियो के एंड में डिसाइड कर पाओगे आपके लिए कौन सी बेस्ट 43 इंच टीवी होने वाली है। तो वीडियो होने वाला बहुत ही धमाल और कमाल, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखना। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टटना शुरू। बात करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की लिस्ट को शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने वही टीवी कंसीडर की है जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है, जो आउट ऑफ स्टॉक है और या फिर नहीं मिल रही है, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने जो भी टीवी की मैंने बात की है इस वीडियो में, जो बेस्ट 43 इंच टीवीज है, उसकी बाइंग लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की लिस्ट में यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे बजट ब्रांड्स की, जहाँ पे अगर आपका बजट लिमिटेड है फिर भी आप एक 43 इंच 4K टीवी लेना चाहते हो तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग बजट की तरफ, जहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बजट इंक्रीज करेंगे और प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में भी बात करने वाले। तो जय श्री गणेश का नाम लेते हुए हमारी पहली टीवी आपके लिए सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम है नोकिया टीवी। और इसकी प्राइसिंग है 29,000 रुपीज, 4K का रेजोल्यूशन है, VA पैनल के साथ आने वाली टीवी है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स है, 8-bit FRC पैनल है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 350 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 3000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली ये टीवी है, 2GB का रैम, 16GB का इंटरनल स्टोरेज है, 39 वॉट के साउंड आउटपुट, यहाँ पे साउंड आउटपुट बहुत ही बढ़िया दिया गया, अटैच साउंड बार दिया गया ऑनक्यो का, जो कि बहुत अच्छी बात होगी और मेजर हाईलाइट होगी इस टीवी की। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। और बात कर ले यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में, तो जितने भी पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, और रिमोट में डेडिकेटेड कीज भी दिया गया है नेटफ्लिक्स और Z5 का। तो ये सारी बातें हो गई इस नोकिया टीवी के बारे में, और ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है इस प्राइस कैटेगरी में। हमारी दूसरी टीवी है मोटोरोला की टीवी, और इसकी प्राइसिंग निकल के आती है 31,000 रुपीज की, आप इसको फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। और बात कर ले यहाँ पे कुछ इसके मेजर हाईलाइट के बारे में, तो ये टीवी भी आती है VA पैनल के साथ, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, 8-bit FRC पैनल है, मतलब यहाँ पे आपको 1 million से भी ज्यादा कलर देखने मिल जाएंगे, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और इस टीवी की मेजर हाईलाइट होगी यहाँ पे कि आपको 32GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, 2GB का रैम है, और यहाँ पे आपको Android 10 मिलता है, जो अभी तक आपको कोई भी ब्रांड इस समय नहीं दे रहा एज ऑफ नाउ। तो एक मेजर हाईलाइट होगी इस टीवी की। और इसी के साथ ही गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाएगा, वॉइस एनेबल रिमोट दिया गया है, ब्लूटूथ आपको टीवी में देखने मिल जाएगा। तो ये सारी बातें होगी इस टीवी के बारे में। और यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जितने ही पॉपुलर कंटेंट प्रोवाइडर प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, और डेडिकेटेड कीज भी रिमोट में दिए गए हैं। और इस टीवी को आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट से, जैसा मैंने कहा, और ये प्राइसिंग निकल के आती है 31,000 रुपीज। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आया है इस समय बजट कैटेगरी में, तो आप इसको स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हैं। 43 इंच की लिस्ट में तीसरी टीवी हमारे पास है आपके लिए, हाइसेंस की A71F मॉडल, और इसकी प्राइसिंग है 28,490 रुपीस, और इसको आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे इसके कुछ मेजर हाईलाइट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, 24 वॉट के साउंड आउटपुट देखने मिल जाएंगे, HDR10 को सपोर्ट करती है, HLG को सपोर्ट करती है ये टीवी। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाएगा, और यहाँ पे जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है इस टीवी में आपको प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे, डेडिकेटेड कीज दिए गए हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और यहां पे आपको बहुत ही अच्छे अपस्केलिंग देखने मिल जाएगी, UI अपस्केलिंग यूज कर रहा है यहां पे हाइसेंस, और अल्ट्रा ड्रमिंग का भी फीचर आपको देखने मिल जाएगा इस टीवी में। बात करें डिस्प्ले और पैनल के बारे में, तो यहां पे VA पैनल दिया गया है, डायरेक्ट LED बैकलाइटिंग सोर्स दी गई, 8-bit FRC पैनल है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है, और इसी के साथ ही बिल्ट इन क्रोमकास्ट देखने मिल जाएगा, जिससे आप टीवी का फोन का कंटेंट टीवी पे देख सकते हो। तो ये सारी फीचर्स के साथ आती है और बहुत ही बढ़िया पैकेज है, और प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो बजट कैटेगरी के ऑप्शन है वो खत्म होते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग नॉन बजट ब्रांड्स की बात करेंगे, जहाँ पे सोनी सैमसंग और LG आने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट नॉन बजट कैटेगरी वाले टीवी, जिसका नाम है
LG 7290। दोस्तों ये 2019 का मॉडल है और सबसे हिट मॉडल रहा उस साल का। और यहाँ पे बात कर ले इसके मेजर हाईलाइट के बारे में, तो ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ, बहुत ही बढ़िया व्यू एंगल से 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस टीवी में। HDR10 और HDR10 प्रो को सपोर्ट करती है। और बात कर ले यहाँ पे कुछ इसके खास फीचर के बारे में, तो गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, वॉइस एनेबल रिमोट मिल जाता है और मैजिक रिमोट यहाँ पे दिया गया है अलग से, जो आपको सेपरेटली परचेस करना होगा, जिसका कॉस्ट आता है कुछ 3000 रुपीज के आसपास, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया बना देते। तो मैं आपको स्ट्रांग रिकमेंड करूँगा अगर आप ये टीवी लेते हो तो मैजिक रिमोट तो लेना ही जरूर और उसको मिस मत करना। और इसी के साथ ही साथ यहां पे बात कर ले कुछ खास फीचर के बारे में, तो यहां पे आपको होम डैशबोर्ड मिल जाता है अलग से इस टीवी में, जहां पे आपको जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है उसको आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही जितने भी वॉइस एनेबल्ड फीचर है, जहां पे गूगल असिस्टेंट तो मैंने बता ही दिया, एलेक्सा, एप्पल एयरप्ले 2, होम किट, सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। और बात कर ले इस टीवी के साउंड आउटपुट के बारे में, तो 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा इस टीवी में। और बात करें यहां पे इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, जो शायद कोई भी आपको नहीं बताता, तो यहाँ पे आपको 1.5 GB का रैम और 4 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिल जाएगा। तो ये टीवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आती है। पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की बहुत ही मस्त है, मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के घर पे मैंने यूज़ भी किया है काफ़ी टाइम तक, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। तो इस टीवी को आप स्ट्रांगली कंसिडर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की लिस्ट में हमारे पास अगली टीवी आपके लिए है, सैमसंग की वॉन्डरटेनमेंट की TUE60F। और बात कर ले इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो 37,000 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आती है ये टीवी। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन और हाईलाइट के बारे में बात करें, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ। VA पैनल के कॉन्ट्रास्ट इशू तो बहुत ही बढ़िया होते हैं, लेकिन व्यू एंगल्स में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो PQI इंडेक्स है, जो पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत ही बढ़िया दिया गया है, 2100 का दिया गया है। और ये बेसिकली सैमसंग की तरफ से ही दिया जाता है, जिसमें समझ में, जिसको जिस वैल्यू को देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कितनी ज्यादा ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी होने वाली है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि पिक्चर क्वालिटी इस टीवी कितनी बढ़िया है। इसी के साथ ही साथ यहां पे टाइजन का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो सैमसंग का प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पे 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। स्मार्ट फीचर्स बहुत ही बढ़िया बढ़िया दिए गए, एंबिएंट मोड का ऑप्शन है, मल्टी व्यू ऑप्शन है और बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे फीचर्स इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मतलब और भी वेरिएंट्स का, जो ऊपर लिंक कर दूंगा और चेकआउट कर लेना। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे बात करें इसके कुछ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको वॉइस एनेबल्ड रिमोट मिल जाता है, जिसमें एक ही रिमोट के थ्रू आप बाकी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और यहाँ पे बिक्सबी का भी सपोर्ट दिया गया है इस टीवी में। तो ये सारे खास फीचर्स के साथ आती है टीवी, 37,000 रुपीज़ में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे अगली बेस्ट 43 इंच 4K टीवी, जो हमने आपके लिए लेके आई है, उसका नाम है LG UN7300। ये 2020 का मॉडल है और ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली टीवी है। ये गेमिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको HGIG और ALLM ऑटो लो लेटेंसी का मोड मिलता है और यहाँ पे जो इनपुट लैग है बहुत ही कम है। और बात कर ले यहाँ पे कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ, बहुत ही बढ़िया व्यू एंगल्स देखने मिल जाएंगे। 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, मेटल की बॉडी है, मेटल का फ्रेम है। और बात कर ले यहाँ पे कुछ इसके खास फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको फिल्म मेकर मोड जैसे फीचर देखने मिल जाएंगे। टेक्निकल ट्रू कलर एक्यूरेसी का सपोर्ट दिया गया है, इसी के साथ HDR10 और HDR10 प्रो को सपोर्ट करती है ये टीवी। 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा और यहाँ पे 10 वॉट का सब वूफर भी लगाया गया है, तो यहाँ पे ऑडियो और वीडियो दोनों में आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देखने मिल रहा है। और फिल्म मेकर मोड वगैरह इस सब के बारे में, अगर आपको इस टीवी के बारे में डिटेल में जानना है, तो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही डिटेल में बात की इस चीज़ के बारे में, तो ऊपर लिंक कर दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसी के साथ ही साथ बात करें इस टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो ये टीवी निकल के आती है 46,000 रुपीज़ के आसपास और गेमिंग और पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देगा। तो मतलब होल एंड सम आपका एक बहुत ही अच्छा पैकेज निकल गया, जहां पे गेमिंग भी आप कर पाओगे इस टीवी में, इसी के साथ ही साथ पिक्चर वगैरह वो सब तो आपको अच्छा मिल ही रहा है। इसी के साथ ही साथ यहां पे 4K अपस्केलर टेक्नोलॉजी देखने मिल जाएगी, जहां पे आपको कोई भी SD कंटेंट है वो भी 4K में अपस्केल करके बहुत ही बढ़िया तरह से देखने मिलेगा। इसी के साथ ही डायनेमिक कलर और ट्रू कलर एक्यूरेसी तो मैंने बता ही दिया। और इसी के
साथ ही साथ आपको नॉइस रिडक्शन जैसे फीचर देखने मिल जाएंगे। बात कर ले टीवी के रिमोट के बारे में, तो मैजिक रिमोट मिलता है आपको इस टीवी में और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस बना देता है मैजिक रिमोट। गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और एप्पल एयरप्ले 2 सभी का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। एलजी का होम डैशबोर्ड मिलता है जिसमें आपके जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड है उसको आप एक ही स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर्स के साथ आ रही है। मल्टी व्यू का ऑप्शन दिया गया, तो ये अच्छे अच्छे फीचर्स आपको इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे गेमिंग और पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पे आप इस टीवी को एज एक गेमिंग टीवी भी कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बात करें अगली टीवी बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की लिस्ट में, जिसका नाम है TU8570। इसकी डिटेल्स और कुछ बात करने के पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा भाई कि इस टीवी में बैकलाइट ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा देखा गया है और काफ़ी लोग के इंस्टाग्राम पे तो बहुत मैसेज आए और फोटोज़ भी भेजे कि भाई इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है और सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है सैमसंग की टीम से और वो लोग रिप्लेस करने में नाटक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस टीवी को मैं रिकमेंड तो करूँगा क्योंकि टीवी की पिक्चर क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छी है, तो यहाँ पे एक आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपने ये टीवी ली है तो इस समय आपको सबसे पहले चेक करना है इसमें कोई भी बैकलाइट ब्लीडिंग है कि नहीं। बहुत सारे टेस्ट है यूट्यूब पे वीडियोस बने हैं, उससे आप चेकआउट कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए और अगर कुछ हफ्ते एक वन वीक के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कीजिए और रिप्लेस करवाइए टीवी है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई मैसेज करे या फिर मेरे कोई भी व्यूअर्स को ऐसी प्रॉब्लम हो अगर ये टीवी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये ऑप्शन को से नहीं गुजरना है तो आप ये टीवी मत लीजिए। ये मेरे को, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप ये टीवी मत लेना अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट लग रहा है या फिर आप सेफर साइड रहना चाहते हो। और बात कर ले अभी इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, तो ये टीवी आती है VA पैनल के साथ, बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशो देंगे और इसी के साथ टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा इस टीवी में। और बात कर ले यहाँ पे कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे डुअल LED दिया गया है। डुअल LED क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक ऊपर लिंक कर दूंगा, उस वीडियो में मैंने बात की है, वो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इसी के साथ ही सैमसंग की 2020 का ये मॉडल है और यहाँ पे डायनेमिक क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्रिस्टल प्रोसेसर दिया गया है और यहाँ पे जो PQI इंडेक्स है बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब 2800 का PQI अभी तक सैमसंग की कोई भी 4K सीरीज में नहीं था। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिक्चर क्वालिटी इस टीवी कितनी बढ़िया होने वाली है। बात कर ले लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, तो ये टीवी की लुक्स और डिज़ाइन बहुत ही मस्त लगी मुझे पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। इसी के साथ ही वॉइस एनेबल फीचर्स के बारे में बात करें तो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जैसे एप्पल का सीरी, यहाँ पे बिग्स भी मिलेगा सैमसंग का, तो ये सारे फीचर्स के साथ आने वाली टीवी है। और यहाँ पे मल्टी व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, एम्बिएंट मोड जैसे फीचर दिए गए हैं, तो ये सारे खास फीचर्स के साथ आने वाली टीवी है। साथ ही साथ बात करें साउंड आउटपुट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल जाएगा। और अगर आप ये टीवी को ऑनलाइन परचेस करते हो तो यहाँ पे एक खास ऑप्शन आपको मिल जाता है वारंटी के मामले में, जहाँ पे आपको एक साल एक्स्ट्रा वारंटी मिलेगी पैनल पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप ये टीवी लेते हो। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आपको एक साल एक्स्ट्रा मिल रहा है पैनल पे वारंटी, मतलब टोटल आपको 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 1 ईयर पैनल पे। बेस्ट 43 इंच 4K टीवी की लिस्ट में हमारे पास अगली टीवी है सोनी की X7500H और यहाँ पे बात कर ले कुछ खास फीचर्स और हाइलाइट्स के बारे में। ये टीवी आती है IPS पैनल के साथ, HLED बैकलाइटिंग देगी, फ्रेम डिमिंग का फीचर देखने मिल जाएगा, 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया, डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करती है, ब्लूटूथ 4.2 दिया गया इस टीवी में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाली टीवी है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर इस टीवी में प्रॉपरली चलने वाले हैं। और बात कर ले यहाँ पे कुछ खास फीचर के बारे में जो पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे सोनी यूज कर रहा है, जैसे उसका X1 HDR प्रोसेसर हो गया, X Reality Pro, ट्राइल्यूमिनर डिस्प्ले। ये ट्राइल्यूमिनर डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया और रिच कलर्स आपको दिखाते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पर मोशन फ्लो XR 200 का भी सपोर्ट दिया गया, जिससे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स वाले सीन होंगे उसमें कोई भी ब्लर आपको देखने नहीं मिलेगा। और वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते यहाँ पे अगले बेस्ट 43 इंच 4K टीवी के बारे में, जिसका नाम है सोनी की X8000H और यहाँ पे बात करें कुछ इसके स्पेसिफिकेशन और खास फीचर्स के बारे में। टीवी आती है IPS पैनल के साथ, HLED बैकलाइटिंग दी गई, फ्रेम डिमिंग का फीचर दिया गया, इसी के साथ ही डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिल जाएगा इस टीवी में, इसी के साथ ही HDR 10 HLG प्रो सभी को सपोर्ट करती है टीवी। और यहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट, एप्पल एयरप्ले 2, एलेक्सा सभी का वॉइस एनेबल्ड फीचर देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे सोनी यूज कर रहा है X1 HDR प्रो प्रोसेसर, X Reality Pro और ट्राइल्यूमिनर डिस्प्ले, जिससे
पिक्चर क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया जाएगा, कलर्स बहुत ही नेचुरल देखने मिलेंगे, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे मोशन फ्लो XR का 200 का भी सपोर्ट दिया गया है, जिससे जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होंगे जरा भी ब्लर नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि दोनों ही टीवी में क्या फर्क है X7500 और 8000H में, तो यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उससे आप चेकआउट कर लीजिए, काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एक टीवी मैंने फाइंड आउट की है आपके लिए, जिसका नाम है सैमसंग दिस शरीफ सीरीज, और यहाँ पे ये टीवी 43 इंच 4K QLED टीवी है, और बहुत ही बढ़िया लुक्स और डिज़ाइन के साथ आती है टीवी है, खास पिक्चर क्वालिटी तो एक नंबर है इस टीवी की। और यहाँ पे अगर आप इस टीवी को कंसीडर कर सकते हो तो इसकी प्राइसिंग रखी गई है 75,000 रुपीस, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन के साथ आती है। और बात कर ले इसके कुछ मेजर हाईलाइट और स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये टीवी आती है क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ, और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त देखने मिलने वाली है, बहुत ही बढ़िया कलर्स और नेचुरल रिच कलर देखने मिलने वाले हैं, और इसी के साथ ही साथ 40 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है, डॉल्बी डिजिटल प्लस टेक्नोलॉजी दी गई है, और यहाँ पे मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, एलेक्सा मिलता है, और एप्पल का जैसे सीरी वैसा यहाँ पे बिग्स भी। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो टीवी का लुक्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और यहाँ पे एक अलग ही लुक्स दिया गया है आप देख सकते हो, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे HDR10 HLG सभी को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने स्मार्ट फीचर्स देखने मिल जाएंगे, जैसे वो हो गया मल्टी व्यू का ऑप्शन, टैप ऑन स्क्रीन या फिर एम्बिएंट मोड, ये बहुत सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी सारी डिटेल्स बेस्ट 43 इंच 4K टीवी के बारे में, और यहाँ पे अगर आपका बजट 36-37,000 रुपीस का है और आप एक 43 इंच फुल HD टीवी लेना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे मैं आपको मतलब बहुत ही टेम्प्ट हो रहा हूँ इसको बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सोनी की तरफ से W6603 का मॉडल ही बहुत बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फुल HD का रेजोल्यूशन आपको देखने मिलेगा, 4K का नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन निकल के आता है, तो इस टीवी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे बात कर रहे इससे कुछ मेजर हाईलाइट और कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, ये टीवी आती है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है, क्लियर ऑडियो प्लस टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने मिल जाएगा, HDR10 HLG प्रो सभी को सपोर्ट करती है, एक्स रियलिटी प्रो मोशन XR फ्लो 100 का सपोर्ट दिया गया है। इसी के साथ ही 4GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया, और यहाँ पे मेजर डिफरेंस है बाकी वेरियंट्स को, जहाँ पे सोनी दे रहा है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे इस टीवी में आपको लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलेगा। तो दोस्तों यही थी सारी डिटेल्स बेस्ट 43 इंच 4K टीवी के बारे में, और यहाँ पे हम लोग ने बजट ब्रांड और नॉन बजट ब्रांड दोनों को कंसीडर किया, और यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बजट ब्रांड में हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस एक्सेप्ट करना ही होगा, और नॉन बजट ब्रांड में जहाँ पे LG सोनी सैमसंग आ जाते हैं वहाँ पे आपको बढ़िया सेल्स आफ्टर सेल सर्विस देखने मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो बजट ब्रांड है वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बजट में आप कुछ चीज ले रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, तो ये एक फैक्ट है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, और सभी की बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिली गई है, और अगर कोई भी सवाल सुझाव राय हो तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कोशिश किया जाएगा आपके सारे के सारे सवालों को जवाब दिया जाए, और आप कौन सी टीवी ले रहे हो फेस्टिव सीजन है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार कंटेंट के साथ, और अमेजॉन जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसमें डे बाय डे हर एक सेल को मैं कवर करने वाला, तो हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन रेडी रखिए, बस वीडियो आने वाली ही है, तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, हैप्पी गाइड, बाय बाय।